हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा पाँचवीं का हिंदी विषय पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 12 गुंडा धूल है ना, इसका प्रश्न अभ्यास पढ़ेंगे आज हम लोग। पाठ को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है, तो आज का वीडियो हम लोग का प्रश्न अभ्यास है और व्याकरण का है। तो सबसे पहले प्रश्न पहला देखते हैं। 1 है, आदिवासियों के विद्रोह का क्या नाम था? उत्तर हो जाएगा, आदिवासियों के विद्रोह का नाम भूमकाल था। दूसरा है, आदिवासियों का विद्रोह छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में हुआ? आपका उत्तर है, लिख सकते हो, आदिवासियों का विद्रोह छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में हुआ। प्रश्न 3 है, बैजनाथ पंडा कौन था? लोग उससे असंतुष्ट क्यों थे? उत्तर है, बैजनाथ पंडा बस्तर रियासत का दीवान था, जिसे अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया था। वह अपने बेतुके आदेशों से प्रजाजन की मुश्किलें बढ़ा देता है, उनका मनमाना शोषण करता है और उन पर अत्याचार करता था। उस कारण लोग असंतुष्ट रहते थे, है ना, जो बैजनाथ पंडा है उससे लोग असंतुष्ट रहते हैं। प्रश्न 4 है, आदिवासियों के प्रेरणा स्रोत कौन कौन थे? उत्तर है, आदिवासियों के प्रेरणा स्रोत राजा के चाचा लाल कालेंद्र सिंह, रानी सुवर्ण कुमार, बाला प्रसाद, नरसिंह तथा दुलार सिंह थे। 5 है, भूमकाल आंदोलन का क्या असर हुआ? उत्तर, भूमकाल आंदोलन ने आदिवासियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया, उन्हें अपनी संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए तत्पर रहने की प्रेरणा मिली। लोगों के बदले तेवर देखकर शोषकों के मन में भय उत्पन्न हुआ और शोषण में कमी आई। जो भूमकाल आंदोलन था वो आदिवासियों पर बहुत ही गहरा असर किया। प्रश्न 6 है, अगर सोनू मांझी ने विश्वासघात नहीं किया होता तो क्या होता? उत्तर, अगर सोनू मांझी ने विश्वासघात नहीं किया होता तो क्रांतिकारी इतनी आसानी से अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आते। प्रश्न 7 है, आदिवासियों ने यदि धनुष बाण की जगह बंदूकों का प्रयोग किया होता तो क्या होता? उत्तर, आदिवासियों ने यदि धनुष बाण की जगह बंदूकों का प्रयोग किया होता तो क्रांतिकारियों के समान अधिक संख्या में अंग्रेज सैनिक भी मारे जाते। प्रश्न 8 है, आदिवासी जंगल के आसपास रहते हैं, उन्हें जंगल से क्या क्या चीजें मिलती हैं? उत्तर में आप लिख सकते हैं, आदिवासियों को जंगल से फल फूल लकड़ी पत्ते कंदमूल जड़ी बूटी आदि मिलती है। प्रश्न 9 देखिए, केवल नाम लिखना है ना, जैसे बस्तर का दीवान, बस्तर का दीवान कौन था? बैजनाथ पंडा। खा है, बस्तर के राजा की सौतेली माँ, उसका नाम लिखना है तो रानी सुवर्ण कुंवर है। ग है, आम की टहनी और मिर्च का डारा संदेह, इसको कुछ बोलते थे है ना, क्या बोलते थे, डारा मिरी। घ है, विश्वासघाती आदिवासी, कौन है विश्वासघाती आदिवासी? सोनू मांझी। आगे देखिए, भाषा तत्व और व्याकरण है। यहाँ पे गतिविधि दिया है, यहाँ पे शुद्ध लेख लिखना है ना, जैसे क्लास में आपके जो टीचर हैं या कोई एक बच्चा है, समूह में बांट रहे हैं तो एक बोलेगा और बाकी सब लिखेंगे, ये हुआ आपका शुद्ध लेख। यहाँ पे प्रश्न पहला है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिख कर वाक्य प्रयोग करो। मंत्रमुग्ध, मंत्रमुग्ध में सोना है, सॉरी होता है मोहित होना, तो वाक्य प्रयोग है यहाँ पे। तीरथगढ़ का सौंदर्य देखकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। करारा जवाब देना, स्पष्ट जवाब देना, वाक्य प्रयोग है। गुंडाधूर ने अंग्रेजों को करारा जवाब दिया। नेक्स्ट है, जड़ से उखाड़ फेंकना, जड़ से उखाड़ फेंकना मतलब होता है पूरी तरह नष्ट करना।
वाक्य प्रयोग, महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन ने अंग्रेजी शासन को जड़ से उखाड़ फेंका। आगे है, छाया भी न छू सकना, मतलब पकड़ ना सकना। वाक्य प्रयोग, अंग्रेज सैनिक गुंडाधुर की छाया भी न छू सके। भूचाल आना में होता है शंकर आना। वाक्य प्रयोग है, गांव में डाकू के घुसते ही भूचाल आ गया, मतलब सबके घर संकट आ गया। टकरा जाना मिस होता है मुठभेड़ होना। क्रांतिकारी अंग्रेज सैनिकों से टकरा गए। प्रश्न दो है, नीचे लिखे देखिए, यहाँ पे नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किए गए हैं, उसको आपको बताना है। तो पहले पढ़ते हैं, क्या है, वन पर आदिवासियों का ही एकाधिकार था, पर दीवान बैजनाथ पंडा ने ऐसी स्थिति अपनाई जिसके कारण उस पर उनका अधिकार सीमित हो गया। यहाँ पर देखिए, उस किसके लिए प्रयोग हुआ है, वन के लिए, और उनका किसके लिए प्रयोग हुआ है, आदिवासियों के लिए। क्या है, बस्तर के लोग सरल निष्कपट और ईमानदार होते हैं, ये है ना, ये रेखांकित है, इसके लिए पूछा जा रहा है। शांति प्रिय भी है, ये आदिवासी कभी कभी अपने शत्रुओं को करारा जवाब भी देते हैं। तो यहाँ पे ये और अपने लिए, तो दोनों के लिए क्या यूज हुआ है, आदिवासियों के लिए यूज हुआ है, दोनों जो शब्द है वो गा। हम तुम्हें उस समय का प्रसंग बताते हैं, हम किसके लिए है, लेखक के लिए प्रयोग हुआ है, और जो तुम्हें है वो बच्चों के लिए की ये कहानी है ना, उसको बता रहे हैं हम। प्रश्न तीन है, निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थानों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द भरना है। तो पढ़ते हैं, कहा, गांधी जी ने अंग्रेजों से सहयोग करने के स्थान पर, है ना, सहयोग का विलोम क्या होगा, असहयोग करने का निश्चय किया। खा, रुद्र प्रताप देव 1900 तक, यहाँ पे देखिए किसका विलोम लिखना है, बालिग का, नाबालिग थे बाद में 1903 में बालिग हुए। ग, शांति, शांति का विलोम लिखना है ना, शांति के समय अशांति की बात करना ठीक नहीं। घ है, आज, आज का विलोम लिखना है ना, जिस स्थिति में है पता नहीं कल क्या स्थिति बने। आगे और देखते हैं, किसी शब्द के पहले जब कोई शब्दांश लगाकर नया शब्द बनाते हैं तो इस शब्दांश को क्या बोलते हैं, उपसर्ग, है ना, जो सामने जुड़ता है शब्दांश वो उपसर्ग है, और जो पीछे शब्दांश जुड़ता है वो आपका प्रत्यय है। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिया गया है सुमधुर, है ना, सुमधुर शब्द में क्या उपसर्ग लगा हुआ है, सु। इसी प्रकार से आपको और बनाना है, छाट कर बताना है। प्रश्न चार है, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग छाट कर लिखो। पढ़ लेते हैं, पहले प्रगति, दुर्व्यवहार, अनुमति, बेसुध, निडर, अडिग, असफल, विद्रोह। यहाँ प्रगति में प्र उपसर्ग, दुर्व्यवहार में दुह उपसर्ग, अनुमति में देखिए अनु उपसर्ग, बेसुध में बे उपसर्ग, और निडर में नी उपसर्ग है, अडिग में आ, असफल में आ, विद्रोह में वी उपसर्ग है ना। आगे है, किसी शब्द के अंत में जब कोई शब्दांश लगा कर कोई नया शब्द बनाते हैं तो इस शब्दांश को क्या बोलते हैं, प्रत्यय। ऐसे है, धैर्य शब्द में वान प्रत्यय लगा कर क्या बना है, धैर्यवान शब्द बना है। इसी प्रकार आपको यहाँ बनाना है, नीचे कोष्टक में कुछ प्रत्यय लिखे हैं, दिए गए शब्दों के साथ इनका प्रयोग कर नए शब्द बनाएं। देखो यहाँ पे तापन, इन, ई, वाला, दार, वान, खोर, ये प्रत्यय है ना, तो यहाँ जो शब्द है इसमें जोड़कर बनाने हैं। ऐसे भाग्य में वान जोड़ोगे तो भाग्यवान, मिठाई में वाला जोड़ोगे तो मिठाई वाला, लालच, भोला में भोलापन, लालच में ई जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, लालची।
भोला में पन जोड़ोगे तो भोलापन, और आवश्यकता में क्या जोड़ना है तार, आवश्यकता। सुध, सुध में क्या जोड़ना है खोर, सुध खोर बन जाएगा। ईमान में दार जोड़ना है ईमानदार। इन शब्दों की रचना समझो, देखो यहाँ पे जो शब्द में मात्राएं लगे हुए हैं उसको तोड़कर लिखा गया है, पिट्ठू मुश्किल विद्रोह है ना। इसी प्रकार से आपको दो और बनाना है। देखो इसको कैसे तोड़े हैं, जो मात्रा लगे जैसे छोटा ई का मात्रा धन प धन अधर ट धन ठ धन बड़ा उ की मात्रा पिट्ठू बना है। ख है आधा ट और पूरा ट ठ मिलाकर बने दो शब्द लिखो, जैसे गट्ठा यहाँ पे देखिए ग धन अधटा धन ठ धन आ की मात्रा क्या बनेगा गट्ठा। चिट्ठी का देख लीजिए इसी प्रकार छोटा ई की मात्रा प्लस च धन अधर ट धन ठ धन बड़े की मात्रा क्या बना चिट्ठी। प्रश्न छह है, अब इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों को तोड़कर लिखो, जैसे यहाँ पे तोड़ा गया है वैसे लिखना है। तो देखिए यहाँ पे विद्यालय को छोटे की मात्रा प्लस धन व धन आधा दा धन ध धन बड़े या की मात्रा धन ला धन या विद्यालय। अब देखिए ये छोटा की मात्रा है धन व धन र धन छोटा ऊ की मात्रा धन ध आधा ध है उसके बाद द है क्या बनेगा विरुद्ध। स्थिति देखिए यहाँ पे छोटा ई की मात्रा धन स आधा स है उसके बाद था है उसके बाद है आपका छोटा ई की मात्रा फिर स स्थिति। इस प्रकार से आप बना सकते हैं इसको है ना संस्कृत। अब यहाँ देखिए प्रश्न सात है, इस पहेली में चार क्रांतिकारियों के नाम दिए हैं, दिए गए सूत्रों से इन्हें पहचानो और लिखो। तो यहाँ पे दिया है संकेत और यहाँ पे नाम आपको लिखना है। पहला है बस्तर का क्रांतिकारी, क्या नाम है आएगा यहाँ पे गुंडाधुर। दूसरा है काकोरी कांड का क्रांतिकारी बिस्मिल। तीसरा है झारखंड का क्रांतिकारी, क्या आएगा बिरसा मुंडा। और चौथा है पानी के जहाज से कूद कर आया क्रांतिकारी, क्या आएगा सावरकर। इस प्रकार से आपका प्रश्न अभ्यास पूरा हुआ, बाकी चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।